अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ अक्सर रोशन और हमारे क्विक रिवीजन सीरीज की ये सेकेंड वीडियो है जिसका टॉपिक है ऑर्बिटल्स। ठीक है टॉपिक ऑर्बिटल्स, लेकिन इस ऑर्बिटल्स के साथ मैं आपको शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो भी इसी के साथ कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, तो मैं इतना डिटेल में चीजों में नहीं जाऊंगी। ठीक है, आई विल जस्ट गिव डिस्कस थोड़े से इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। वैसे अगर ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग बात करें ना, तो ऑर्बिटल्स आर लाइक वो स्पेस एक शेल के अंदर, वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस की ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिल जाए हमें, कि हमें ज्यादा चांसेस हों कि हाँ इस तरफ या इस स्पेस में ना इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। लाइक 90% 80% चांस, जहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उस जगह को हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स क्या है, मैंने आपको अभी क्या बताया कि ऑर्बिटल्स जो है वो स्पेस है। चले साथ साथ लिखते भी रहते हैं कि आप एक ही पेज को स्क्रीनशॉट ले लें। सही है, हमने बोला कि ऑर्बिटल एक वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलने की, देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, इज हाईएस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। अच्छा, इसके बारे में अब जो डेफिनेशन आती है ना ऑर्बिटल्स के बारे में, वो ये है कि ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। क्या है ये? मैथमेटिकल फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन, विच डिस्क्राइब्स द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने शेल सब शेल के बारे में बात नहीं की। तो ऑर्बिटल्स क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन के वेव लाइक बिहेवियर को डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो अब हमने देख लिया, तो फिर भाई शेल क्या है, सब शेल क्या है? अब हम लोग इसको इस तरह पढ़ेंगे कि ये मैंने जो टेबल बनाया है ना, ये भी किसी मकसद के लिए बनाया। अब वो मकसद क्या है, देखिए ये शेल लिखा मैंने यहाँ पर, अभी हम लोग देखेंगे कि शेल क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि सब शेल्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि ऑर्बिटल्स, तो मैंने आपको बता दिया ना कि क्या होते हैं। ठीक है, शेल्स जो है ना, शेल्स आप ये समझें कि शेल्स होंगे एक पाथवे है जो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड होता है, जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। ठीक है, शेल क्या है, मैं यहां लिख रही हूं, शेल क्या है, एक पाथवे है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करते हैं, फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एन एटम्स। ये तो याद ही होगा ना, वो ऑर्बिट्स याद है, वो ऑर्बिट्स बनते थे, वो ऑर्बिट्स ही शेल होता है। ठीक है, और शेल बताऊं क्या करता है, शेल जो है ना वो क्वांटम नंबर बताता है। अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो देखी हो तो उसमें आपको याद होगा कि शेल जो है क्वांटम नंबर जो है वो नंबर ऑफ शेल्स बताता है, एन यानी। तो जो हमारे शेल है ना वो क्वांटम नंबर बताते हैं, यानी एन वन, ठीक है, एन टू, एन थ्री, ये शेल है। और याद है मैंने आपको इसके नाम भी बताए थे, के एल एम एन, इसी तरह आगे भी थे। ठीक है, तो शेल क्या है, एक पाथवे है, शेल क्या है, एक पाथवे है जो इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, अच्छा अब हम लोग देखते हैं, हमने ये भी देख लिया कि शेल ये है। अब एक शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सब शेल्स बात होंगी, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि सब शेल क्या होता है।
अब सबशेल वो जगह है, सबशेल जो होती है ना वो शेल के अंदर होती है, सबशेल अब वो जगह है ठीक है जो इज अ पाथवे इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इन अ शेल। लाइक ये सब ना इमेजिनरी है, शेल सब शेल ऑर्बिटल्स ये सब इमेजिनरी है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई प्रॉपर सर्कल नहीं बना हुआ होता है कि एटम के अंदर ये सर्कल है तो हमें दिख जाएगा कि ये शेल है, नहीं, ये सब हमने इस इमेजिन किया है खुद कि हम लोग इस चीज को समझ सकें, इस चीज को पढ़ सकें, ठीक है, ये सब इमेजिनरी है। तो आप ये करें कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स बने हुए हैं, उन ऑर्बिट्स के अंदर शेल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं सब शेल्स, जैसे कि हेडिंग की सब हेडिंग होती है उसी तरह शेल का सब शेल, ठीक है। अब ये जो सेल, लेट मी चेक, लाइक इट्स नॉट कन्फर्म, मुझे शायद यहाँ थोड़ी सी वो हो जाए, नहीं अब कन्फर्म हो गया। अच्छा अब देखें क्या दिखाना है मैंने आपको, अच्छा N4 भी लिखना चाहिए हमें ना, N4 ठीक है, N4 की मैंने जगह नहीं बनाई तो ये N4 समझे आप लोग, ठीक है। अच्छा अब पहले शेल में ना एक सब शेल होता है, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, ठीक है। पहले शेल में एक सब शेल होता है, दूसरे शेल में दो सब शेल होते हैं, तीसरे में तीन होते हैं, चौथे में चार सब शेल होते हैं। अब इन सब शेल्स के ना नाम भी होते हैं, सब शेल्स के नाम याद है आपको, चार सब शेल्स कौन से थे जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़े, SPDF, ये चार सब शेल्स हैं हमारे पास। तो पहला जो शेल है हमारे पास उसके पास जो सब शेल होगा वो एक होगा, यानी एस, ये सब शेल एस जो है वो किस शेल का है, वन का, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसे 1s। अब सेकंड शेल में भी दो सब शेल होंगे, तो दो कौन से, हर शेल के पास पहला शेल जरूर होगा, लाइन से चलेंगे, एस होगा तो पी होगा, पी होगा तो फिर एस डी होगा, मतलब लाइन से। तो अब इसके पास कौन से दो सब शेल होंगे, एस होगा और पी होगा, लेकिन ये कौन से शेल के, सेकंड शेल के, तो हम लोग लिखेंगे 2s और 2p, ठीक है। इसी तरह हमारे पास तीसरे शेल में तीन सब शेल होते हैं, s p d, कौन से शेल के, थर्ड 3s 3p 3d। इसी तरह हमारे पास फोर्थ शेल में फोर सब शेल्स होते हैं, वो होते हैं s p d f, कौन से शेल के हैं, 4s 4p 4d एंड 4f, ठीक है। अच्छा जी अब हम लोगों ने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था, ऑर्बिटल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन के वेव लाइक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा होता है, या वो एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो एक सब शेल में लाइक एस पी और डी और एफ, हर सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे ये कन्फर्म है, ये स्टैंडर्ड है, ये लिखा हुआ है, क्या है कि एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 होंगे, पी में 3 होंगे, डी में 5 और एफ में 7। आपको ये नहीं लग रहा वो हम लोग ऑड नंबर पढ़ रहे होते हैं 1, 3, 5, 7, बिल्कुल इसी तरह आपको याद करना है, ठीक है, कि हर सब शेल के पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल फिक्स्ड है, एस में 1 होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं। अगर आप लोगों ने आगे भी पढ़ा हुआ हो इसे तो अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में पी की एग्जाम्पल दे रही हूँ, पी के 3 ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, px py pz, s जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है s, लेकिन p के 3 होते हैं px py pz, तो ये क्या हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो s के पास कितने हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 1,
इस वाले एस के पास कितने हैं, एक, लेकिन पी के पास कितने हैं, तीन। एस के पास एक, पी के पास तीन, डी के पास फाइव। एस के पास एक, पी के पास तीन, डी के पास फाइव, एफ के पास सेवन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्बिटल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखें एस कैसे मालूम करेंगे, हर नंबर ऑफ ऑर्बिटल को ना टू से मल्टीप्लाई कर दें। वन टू जा टू, वन टू जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स टेन फोर्टीन। ठीक है, यानी एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यू देखें आप, यू एस में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी में टेन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एफ में फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम अब शेल के बारे में देखें तो एक के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे, टू। ये देखें टू। हमने फिर देखा कि एल शेल में कितने हो सकते थे, एट, टू प्लस सिक्स एट, एट हो गया। फिर हमने देखा एम में एटीन हो सकते थे, टू प्लस सिक्स प्लस टेन एटीन। फिर हमने देखा कि एन में हमारे पास हो सकते थे थर्टी टू, टू प्लस सिक्स प्लस टेन प्लस फोर्टीन, थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने देखा कि हम लोगों ने क्वांटम नंबर में जो जो चीजें पढ़ी थी वो सारी चीजें यहाँ पर कंफर्म हो गई, या ये कहूँ कि सारी चीजें रिवाइज हो गई हैं। एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर छह इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर दस, एफ के अंदर फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स, के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स, एल के अंदर एट इलेक्ट्रॉन्स, एम के अंदर एटीन इलेक्ट्रॉन्स और एन के अंदर थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं और फिर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। सो इस वीडियो में अब आपका सबका सब रिवाइज हो गया। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए कमेंट सेक्शन में आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी एक दो दिन में मैं आपको रिप्लाई कर दूं। ये टॉपिक पढ़ने के बाद अब इनके आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपके टेस्ट और आपकी प्रिपरेशन के लिए। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।